इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। आचिर्वन ग्रंथों के गुण रहस्यों को यहाँ पर समझा रहे हैं और एक रहस्य जो कि आज तक हमको समझ में नहीं आया उस रहस्य को आज यहाँ पर समझा रहे हैं या जिसको हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। संजय, DPS स्कूल है ना, वहां पर पढ़ाते हो आप बच्चों को, ज्ञान देते हो? किससे ज्ञान देते हो आप? ग्रंथों से, पुस्तकों से? क्या पुस्तकों में ज्ञान है? पुस्तकों में ज्ञान है? क्या समझे? क्या पुस्तकों में ज्ञान नहीं? फिर ज्ञान किस में? कभी सोचा तुमने इसमें? ज्ञान की पूजा करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, ये सोचते हैं पुस्तक की ज्ञान यहां से मिलेगा हमको। और सिखाया भी यही जाता है बचपन से, यहां से ज्ञान मिलेगा। तो सरस्वती की पूजा करो, अच्छे से किताबों को अच्छे से पढ़ो, किताबों से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा तुम्हें। किताबों में ज्ञान होता है, पुस्तकों में ज्ञान होता है। क्या पुस्तकों में ज्ञान होता है कि नहीं होता? थोड़ा तार्किक तरीके से सोचना, रूढ़िवादी तरीके से मत सोचना। तुम्हारा जैन दर्शन रूढ़िवादी दर्शन नहीं है। यहां पर बाबा बाग प्रमाणम नहीं है, यहां तर्कातण्य निर्णय, तर्की कसौटी पर वस्तु को रखा जाता है। कोई व्यक्ति पीली चीज लेकर आ जाए, कह दे ये सोने की है, तो यहां मानने वाले नहीं सोने की, ये दर्शन कह गए पर कसौटी पर कसता हूं मैं इसे। जब कसौटी पर ये खरी उतर जाएगी तो फिर मैं मानने तैयार हूं, हाँ ये सोने की। हर चमकने वाली पीली वस्तु सोना नहीं होती है, हर अच्छे लगने वाला कोटेशन सत्य नहीं होता है। हम जो अच्छा लगता है, अरे इतनी सही तो बात है, अच्छी तो बात है, बात अच्छी हो सकती है पर सत्य हो ये जरूरी नहीं है। सत्य और अच्छे में बहुत अंतर है। बात सत्य होना भिन्न विषय है और बात अच्छी होना भिन्न विषय। अच्छी बातें तो अनेक दर्शन करते हैं, अच्छी बातें तो अनेक दर्शन करते हैं, सत्य की जो चर्चा है वो जैन दर्शन करता है। ये तो अच्छी बात है ना, पुस्तकों में ज्ञान होता है, अच्छी बात है। स्वस्थ की आराधना करो, ज्ञान बढ़ेगा, अच्छी बात है कि बुरी बात है? पर वास्तविक तो सत्य नहीं है। पुस्तकों में ज्ञान यदि मान लोगे तो पुस्तक को चेतन मानना पड़ेगा। जो जिसका धर्म होता है वो उसमें पाया जाता है। ये धर्म आत्मा का है, ज्ञान, ज्ञान धर्म, ज्ञान गुण किसका है? जड़ का है या चेतन का है? ज्ञान गुण किसका है, जड़ का है या चेतन का है? चेतन का है। जड़ में पाया जाएगा कि चेतन में पाया जाएगा? अचेतन में पाया जाएगा कि चेतन में? बताओ प्रदीप, चेतन समझते हो? किसे कहते हैं चेतन? जिसमें फीलिंग सेंस आदि होती है उसे कहते हैं चेतन। जिसमें सेंस नहीं तो अचेतन। जैसे ये अचेतन है, इसको तुम पाड़ो पीटो ठोको कुछ नहीं होगा, इसको कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी। लेकिन कोई आपको सुई चुबाएगा तो आपको दर्द पीड़ा होगा, आप चेतन जीव हो। आपके मोबाइल को कोई फेंक देगा उसको कोई पीड़ा नहीं है, अचेतन है।
तो जिसमें सेंस आदि होते हैं उसे कहते हैं चेतन। तो ये चेतन में आत्मा चेतन है, उस आत्मा चेतन के संयोग से शरीर भी अचेतन होने से ये फीलिंग हमको देता है। तब तक ये शरीर चेतन रूप में उपचार से ये भी चेतन हो गया हमारा शरीर भी, क्योंकि हमारी आत्मा चेतन है, आत्मा शरीर में पाई जा रही है। जब तक आत्मा शरीर में पाई जा रही है इस शरीर के माध्यम से सेंस को आत्मा कहते हैं, इसलिए हम शरीर को भी चेतन कह देते हैं। और जब वही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है इस शरीर को अचेतन बोल देते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तो शरीर को क्या बोलते हैं, अरुण जिंदा है, चेतन है। और जैसी शरीर से आत्मा निकली मुर्दा है, अचेतन है। चेतन व्यवहार इसलिए चल रहा था क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर थी, आत्मा चेतन है। तो जो ज्ञान गुण है वो आत्मा का है या पुद्गल का है, किसका है बताओ, सुनिए, आत्मा का है। तो यदि ज्ञान गुण पुस्तक के अंदर चला गया तो पुस्तक भी चेतन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, पुस्तक चेतन होगी नहीं होगी फिर, पर पुस्तक तो अचेतन है। इसका मतलब क्या है, जो लिखा है वो ज्ञान नहीं है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वो ज्ञान नहीं है, हमने जो लिखा है उसको ज्ञान परिभाषा बना दिए। पुस्तक में ज्ञान की परिभाषा तो हो सकती है, पुस्तक में ज्ञान की डेफिनेशन तो हो सकती है, लेकिन पुस्तक में ज्ञान नहीं हो सकता। पुस्तक से आप अपने ज्ञान का जो आवरण था वो हटा तो सकते हो, लेकिन पुस्तक में ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है। हम जैसे परिणाम शांत करते जाएंगे, राग द्वेष कम करते जाएंगे, सरल स्वभावी होते जाएंगे, एकाग्र चित्त होते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा। यदि पुस्तक से ज्ञान होता तो सभी को एक सा ज्ञान हो जाना चाहिए था, एक क्लास में एक शिक्षक एक समान, एक ही पुस्तक एक ही चैप्टर एक समय में सारे स्टूडेंटों को पढ़ाता है, अलग अलग तो नहीं पढ़ाता नहीं, एक समय में एक चैप्टर पूरे स्टूडेंटों को एक साथ जैसे इसको पढ़ा रहा है वैसे उसको पढ़ा रहा है, तब भी सबसे जब पूछा जाता है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उत्तर दे पाते हैं। हर व्यक्ति एक सौ उत्तर नहीं दे पाता। आपको ही मानता हूं, यदि एक सा घी दे दिया जाए, आटा दे दिया जाए, तब भी आप एक सी रोटी नहीं बना पाओगे, गारंटी। एक सा आटा होने पर भी, घी होने पर भी, नमक होने पर भी, सब समान सामग्री आपको जो दूसरे को दिए वो आपको दी जाए, फिर भी आपकी रोटी हर माँ की रोटी का स्वाद भिन्न भिन्न आएगा, आएगा कि नहीं आएगा संजय? अब तुम तो खाते ही नहीं ना, तुम तो एक ही देवी की रोटी खाते हो, हम तो कितनी माताओं की रोटी खाते हैं, कभी इस नगर कभी उस नगर कभी उस नगर, यहाँ तो तुमने कितने घरों का पानी पियोगे, मुश्किल से 2, 5, 10, 50, 100 घर का, हाँ तो ना जाने कितने घरों का रोटी खा लिया और कितने घरों का पानी पी लिया, कितने घरों की रोटी महावीर जी खा ली होंगी हमने, कितने घाट का कितने कुओं का पानी पी लिया होगा। हर माँ के हाथ की रोटी एक सी नहीं होती, हर रोटी का स्वाद एक सा नहीं होता। एक सामग्री होने पर भी सब अलग अलग बना रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? टीचर एक सा पढ़ा रहा है तब भी सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, यहां एक सा प्रवचन चल रहा है, अभी आप इसी प्रवचन को नीचे पूछना, जितने लोगों से पूछोगे कुछ ना कुछ अलग अलग बताएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? यदि पुस्तक में ज्ञान होता, एक ही पुस्तक तो पढ़े, सब ज्ञानी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। आचार्य बन कहते हैं स्वावरण क्षोभसम लक्षण युक्ता ही प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, जिसका जैसा आवरण कर्म का क्षोभसम होगा, जिसका जैसा ज्ञानावरणी कर्म के आवरण कर्म का क्षोभसम होगा, उसको उतना ही ज्ञान होगा। आप यदि पुस्तकों से ज्ञानी बनते
तो मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी हो जाना चाहिए। पुस्तकों में ज्ञान होता तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान हासिल कर लेता, लेकिन पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, पुस्तकों में शब्द हैं, जिसके अंदर ज्ञान है आवरण कर्म का छोपसा में उन शब्दों से अपने ज्ञान में निखार प्राप्त करता है। उन ग्रंथों की सहायता से, उन पुस्तकों की सहायता से अपने ज्ञान को पैना करता रहता है। उसका ज्ञान नवीन नवीन सोच को उत्पन्न करता है। सहारा निमित्त तो कह सकते हैं हम, पुस्तकों को हम निमित्त बोल सकते हैं, सहारा बोल सकते हैं, लेकिन उपादान तो मेरी आत्मा का ही होगा, तब ये निमित्त कार्यकारी होगा। ये तत्व जितना समझ में नहीं आता व्यक्ति, इसलिए टेंशन में है। इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना तब भी नहीं हो रहा। अरे पढ़ने से ज्ञान कभी बढ़ा ही नहीं है आज तक। लोगों की धारणा है कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। यदि ज्ञान बढ़ाना है आपको, ज्ञान का विकास करना है, मतलब शादी नहीं हुई थी जब आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे, उस समय आपको याद रहता था ही नहीं रहता था, लेकिन जब से शादी हुई आप ससुराल में आए, अब आपको याद नहीं होता कुछ भी। कोई ग्रंथ यदि आपको दे दें कि इस ग्रंथ की एक गाथा याद कर लो, आप मंगलाचरण याद कर लो, आपको बहुत समय लग जाता है उसको याद करने में। कह दिया जाए तत्वार्थ सूत्र याद कर लो, जब आप बचपन में थे तो आप रट गए तत्वार्थ सूत्र, छह डाला रट ली, तत्वार्थ सूत्र रट लिया, इष्टोपदेश रट लिया, द्रव संग्रह रट लिया, और भी प्रार्थनाएं जो भी थी रट हो गई थी, आपको रट गई थी, लेकिन शादी के बाद आप सब विस्मित हो गए। और अब कोई कहता है आपसे, संजय अब कोई कह के आप पढ़ाई करो और ये किस लोग याद करके सुनाओ, तुम कभी हमारे बस की नहीं, तुम और कोई काम हो तो बताओ, ये याद में याद करने वाला काम अब नहीं, अब याद नहीं होता आपको। अरुण मनीष याद होता है क्या? अब संस्कृत देने तो याद करने, हमारे साथ जब हम छोटे थे लगभग होंगे 15-16 साल के रहेंगे, तो पिताजी पंडित जी थे, तो बोले कि चलोगे हमारे साथ? कहाँ? परीक्षण में। अब अरे अच्छे छुट्टी मिलेगी 10 दिन की, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चलेंगे, फिर स्कूल का वो चिंता नहीं का, सब हो जाएगा। तो 10 दिन चले गए, अब सफ़ेद उन्होंने कुर्ता पजामा सिलवा दिया, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिए। अब हमें पता नहीं था होना क्या आगे। देखो जब जीवन में बदलाव आते हैं ना, तो अपने आप लोग जुड़ते हैं और लोगों से हम जुड़ते हैं। वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, हमें नहीं पता था कहाँ कैसे जीवन में टर्निंग पॉइंट आते हैं। आज जब सोचते हैं तो तब समझ में आता है, एक बालक 16 साल का बालक जो अपनी मस्ती मस्त रहने वाला था, जिसे घूमने का बहुत शौक था, पिता ने कहा चलना है? हाँ भैया चलो, चलते हैं, घूमने मिलेगा? हाँ, पिताजी बोले खूब घूमने मिलेगा, पर तुम्हें सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, कुर्ता पजामा परीक्षण में जा रहे हैं। और ठीक है, 2 जोड़ी कुर्ता पजामा सिलवा दिए गए, हम पहने चले। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो स्टेशन पे अरे एक पंडित जी आए और एक भैया जी आए। अरे ये कहाँ से आ गए भैया? एक पंडित जी आए हैं प्रवचन करने परीक्षण में और एक भैया जी। अब बड़े परेशान, अब वहाँ जैसे ही पूछे तो भैया जी आए, एक भैया जी आए। अब छोटे तो और ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जितना छोटा बालक हो और वो यदि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के घूमे तो आप भी अट्रैक्ट हो जाओगे उससे। अरे यार इतना छोटी उम्र में देखो ब्रह्मचारी बन गया, भैया जी बन गया, सांगानेर से जाते ना बच्चे तो आप कितने अट्रैक्ट होते हैं, अरे इतनी छोटी उम्र में देखो कितना ज्ञान है कैसे। अब अपने तो कुछ भी नहीं, ड्रेस पहनी थी जैसी डे भैया जी। अब पंडित जी बोले एक काम करो, तुम प्रवचन के पहले मंगलाचरण कर दिया। मंगलाचरण ये क्यों होता है? मंगलाचरण तो आते नहीं हमको, तो उन्होंने एक मंगलाचरण दे दिया हमको। मंगलाचरण बहुत सरल था लेकिन हमको तो बहुत कठिन लग रहा था। उसको याद करते करते 5 दिन लग गए परीक्षण के, 5 दिन तक वो याद नहीं हुआ।
छठवें दिन इनका हो गया क्या याद? हाँ हुआ तो है। और जैसे ही मंगलाचरण कराने बैठा बैठे तो एक लाइन एक दो शब्द ही बोल पाए, फूल बाल गए। और इतना सरल, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इतना सा मंगलाचरण बोलना था। अब ठीक है, वो तो गया। अब सब लोग, त्याग धर्म का दिन आया, त्याग धर्म का दिन आया, तो अपने बच्चों को ले लेके आ गए। भैया जी के पास आएंगे ना छोटे बच्चों को लेके, इसको आलू का त्याग करा दो, भैया जी इसको रात्रि भोजन त्याग। अब भैया जी खुद ही अब उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं रात्रि भोजन त्याग करो, हम सोच रहे हैं हम तो खुद ही रात में खाते हैं, इन्हें क्या रात में त्याग करा दें, हम तो खुद ही आलू। यदि हमको घर से छूट मिलती थी, दो जगह हमारा निवास स्थान था, एक हमारा गांव जहां हमारे पापा पिताजी रहते थे, और एक जहां शहर जहां हम पढ़ाई करते थे। तो जब भी शहर जाते थे वहां पर, तो वहां मौसी थी उनके यहाँ ही रुकते, तो आलू के अलावा कुछ ही नहीं खाते थे। उनसे कहते घर में तो बाकी खाना ही है लौकी दाल, घर पहुंचे तो वही खाना है हमको। हमारे घर में कभी नहीं आता था आलू, कोई भी जमीकंद नहीं आता था, स्पेशल बैन था पूरी तरह से टोटली। तो खाना तो फिर घर जाके वही है, तो वहाँ जितने दिन रुकते थे उनके यहाँ उसके अलावा कुछ नहीं खाते थे। अब ये सब बच्चे लेके आ रहे हैं माँ कि इनको आलू छुड़ा दो, कोई कह रहा चॉकलेट छुड़ा दो, कोई कह रहा कुछ छुड़ा दो। अब बड़ी परेशानी, नहीं छुड़ाएं कैसे, हम तो खुद ही खा रहे हैं। अब सबने बोला तो छुड़ा तो दिया, बोल तो दिया कि भैया आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ऐसे करके छुड़ा तो दिया। अब लेकिन अब शुद्ध सोच रहे हैं कि अब इनको छुड़ा दिया तो कहीं इनको ने अपन को खाते देख लिया तो, इनको तो छुड़ा दिया और उन्होंने हमें खाते हुए देख लिया तो फिर क्या होगा, अब आज से हम भी कभी नहीं खाएंगे। वो पहला पॉइंट कि आज से इन लोगों को जब हमने छुड़ा दिया है तो अब हमको आ रहा अभी दायित्व बनता है कि अब मुझे भी नहीं खाना चाहिए। जब रिटर्न जा रहे हैं, गाड़ी चल रही, बैठे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, दिमाग चल रहा कि नहीं आज से मैं भी यहां से नियम लेके जाता हूं कि मैं नहीं खाऊंगा। ये टर्निंग पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आया जो बदलाव। अब आप जिस मार्ग पे जाते, अब चाट बंद, आलू बंद, रात में खाना बंद, सब बंद हो गया। धीरे धीरे बदलता है, ऐसी और निमित्त मिल गए। बताएं कभी यदि 8 तारीख को समय मिला तो कैसी निमित्त मिलते हैं, कैसे व्यक्ति टर्न होता है। ऐसी ये भी एक प्रचन एक माध्यम है, हमारे परिणाम कब कहाँ बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। यदि वास्तव में तत्व की गवेषणा होगी तो आचार्य कह रहे हैं पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी गिरेगा तो नियम से मिट्टी गीली होगी, यदि जो मिट्टी गीली हो नहीं रही, समझ लो इसे पत्थर पे मिट्टी का लेप है, पत्थर ही है ये। नहीं तो कितना भी जेठ की गर्मियों से खेत कभी कभी आपने देखे हो, खेत काले मिट्टी के जब खेत होते हैं, जनवरी फरवरी जब उसकी फसल काट ली जाती मार्च के समय, उसके बाद बखर कर दिया तो ऐसे लौंदे निकलते हैं मोटे मोटे मिट्टी के। यदि किसी को दे मारो तो उसका सिर फूट जाए, इतना कड़क रहता है वो मिट्टी, काली मिट्टी। लेकिन जैसे ही पानी गिरता है मिट्टी ऐसी बिसक जाती है, एकदम मुलायम हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।